अस्सलाम वालेकुम, टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद। आपका इन दोस्त चैनल बरे सगीर पाक और हिंद की आज़ादी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक नैपियर की तहरीर करदा 1975 में पब्लिश होने वाली किताब। ये किताब सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश राज के आखिरी साल की तफसील बयान करती है। इस किताब की इब्तिदा लॉर्ड माउंट बेटन के आखिरी वायसराय बनने से शुरू होती है और इसका अख्तिताम महात्मा गांधी की हलाकत और उनकी आखिरी रसूमात पर होता है। ये किताब महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और मकासिद का भी तफसील से अता करती है। तकसीम की तफसीलात के बारे में इस किताब में पंजाब, बंगाल और कश्मीर के नक्शे की तफसीलात बयान की गई हैं, और इसमें यह भी बताया गया है कि रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमीशन के हेड थे, जिन्होंने ये सारी तकसीम की, वो कभी इस तकसीम से पहले बरसगीर में कभी आए नहीं थे। ये किताब बड़े बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से शायद कुछ ही किताबें हैं जो हकायक को पेश करने में कुछ आगे बढ़ी हैं। बेसिकली ये किताब आज़ादी की राह में बरसगीर के मुमताज सियासी शख्सियात के किरदार का भी तजिया करती है, मगर इस किताब का मेन फोकस लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी जी हैं। मगर इस किताब में जहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को बहुत ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर दिखाया गया है, वहीं पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर लोगों को इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। 2017 की मूवी वायसराय हाउस भी इस किताब से मुतासर होकर बनाई गई है। अगर आप तारीख को मुख्तलिफ एंगल से देखना पसंद करते हैं तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी हासिल कर सकते हैं। और 14 अगस्त और 15 अगस्त पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के दिन अलग अलग क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में आप डिटेल इस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।